देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी, क्योंकि इसमें करीब 6000 किलोमीटर की यात्रा है वो, और जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी 4000 किलोमीटर की, उसी ढंग का उत्साह इसमें देखने को मिलेगा। मुख्य बात है कि राहुल गांधी जी चाहते हैं ध्यान कैसे, राहुल जी चाहेंगे केंद्र सरकार का ध्यान जो देश की समस्याएं हैं चैलेंज के रूप में, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे आपस में समाज के अंदर सभी धर्मों में प्यार मोहब्बत भाईचारा हो, चाहे गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब रह रहा है और अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, ये सभी मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करके एक ऐसा सराहनीय कदम उठाया है, और उन्होंने ये भी कहा है इसमें खाली राजनीति नहीं है, ये चाहते हैं कि लोगों न्याय सुनिश्चित हो, उसकी तरफ देशवासियों का ध्यान आकर्षित हो, जिससे सरकार पर दबाव पड़े कि देश की जनता क्या चाहती है, वो त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, तनाव और जो माहौल है हिंसा का उससे, और जो गरीबी बनी हुई है, अमीर गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा कदम उठाया। हम सब उसका स्वागत करते हैं और हम लोग जा रहे हैं वहाँ मणिपुर के अंदर। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, कांग्रेस ने तय किया है तक हम नहीं जाएंगे, तो बीजेपी इसको लगातार मुद्दा बना रही है। बीजेपी ने मुद्दा बनाया तभी तो ये सब प्रॉब्लम पैदा हुई है। अगर बीजेपी मुद्दा नहीं बनाती और राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया था शांतिपूर्ण तरीके से, सभी लोगों ने देशवासियों ने स्वागत किया, चाहे वो कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो। इतना बड़ा कदम जब उठाया स्वागत करके आम जनता ने, उसी ढंग का व्यवहार करना चाहिए था सरकार को भी, और जो समिति बनी उसको भी करना चाहिए था। आज ये नौबत नहीं आती, इसका जब राजनीतिकरण किया गया, जिस रूप में फैसले किए गए कि धर्म गुरुओं को भी, और शंकराचार्य है जो हिंदू धर्म के सनातन धर्म के सर्वोसर्वा है, और वो गाइड करते हैं पूरे देश के सनातन धर्मियों को भी, समाज को भी और धर्म को भी, क्या नौबत आ गई कि उन सब ने कहा हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो आप सोच सकते हो कि एक ऐसा इश्यू बन गया कि पूरे देश के शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम सब बायकॉट करेंगे या जाएंगे नहीं, और कारण भी बता रहे हैं क्यों नहीं जाएंगे, वो आप लोग सब पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर शंकराचार्य देश के ये बात कह रहे हैं, उसका अपना महत्व है। इस तरह कॉन्ट्रोवर्सी पैदा होने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, ज़्यादा बेहतर रहता। और जब राम मंदिर सबका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए आया है, तो शुरुआत में ही इसको सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी राजनीतिक पार्टियों को अगर विश्वास में लेके चलते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये पूरा पार्टी RSS और BJP का प्रोग्राम वहाँ पे बना दिया गया, बल्कि वहाँ जो प्रबंधन कर रहे हैं वो भी BJP कार्यकर्ता हैं। इस प्रकार के माहौल के अंदर आप इन्वाइट कर रहे हो राजनीतिक पार्टियों को जानबूझ करके, तो उचित बात नहीं है। इसलिए ये मतलब कांग्रेस ने कहा भाई, कांग्रेस नेता क्या है, मंदिर में जाने के लिए किसी पूछना पड़ता है क्या? किसी मंदिर, किसी धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में कोई जाए अगर मान लो इबादत करने के लिए, तो पूछ के जाएंगे क्या? पूरी जरूरत नहीं है। और ये प्रोग्राम क्योंकि RSS और BJP का प्रोग्राम बन गया है, तो आप बता दीजिए कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं। मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कैसे जाते? प्रोग्राम तो RSS BJP का है, इसलिए उन्होंने कहा है। आस्था सबकी है, पूरे देशवासियों में आस्था राम मंदिर में है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये जो अहम घमंड के आधार पर सरकार चल रही है NDA की, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी जिस रास्ते पे
देश को जाना चाहते हैं वो उचित रास्ता नहीं है। लोकतंत्र इसलिए हम कहते हैं खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है और तमाम एजेंसी ईडी इनकम टैक्स सीबीआई आप देख लो क्या हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है, ये तमाम बातें चिंताजनक बातें हैं। सर इंडिया गठबंधन मायावती जी से बात करने की कोशिश, अब देखिए इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जा रहा हूँ अभी, एलएनएस मीटिंग में विभिन्न राज्यों से बातचीत हो रही है और सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकांश पार्टियों के साथ में गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग होगी और इस बार जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल है। आरएस के अभ्यर्थी लगातार स्थिति बनाने को लेकर धरना दे रहे हैं, लगातार यूनिवर्सिटी के गेट पे रात में सर्दी में पहुंचे। देखिए तो उनकी अपनी समस्या बनी रहती है, नौजवानों की प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए, मंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि उनकी बात सुन करके उनको संदेश करें और कोई रास्ता निकाले। सरकार को बने इतना टाइम हो गया सर, और पोलियो सरकार के पोर्टफोलियो बट गए लेकिन अभी तक एक कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई सरकार की, कोई फैसले। मैं पहले कह चुका हूँ कि मुख्यमंत्री जी को बनाया गया प्रथम बार के वो जीत के आए हैं तो उसी ढंग से उनको सहयोग भी करना चाहिए पार्टी को, वो सहयोग मिल नहीं रहा क्योंकि मैं समझता हूँ कि रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं वो हर चीज़, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का रिसफल हो, तो ये तमाम काम जो है अगर रिमोट कंट्रोल चलेंगे तो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। इससे वैसे इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, सरकार का मामला है, मुझे कोई कॉमेंट नहीं करना है, परंतु जनहित के अंदर राज्य हित के अंदर अगर कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला पा रहे वो लोग, मंत्रिमंडल बनने के बाद में पोर्टफोलियो बटने में 7 दिन लग गए, उसके बाद में अब आप पहली मीटिंग हो जानी चाहिए थी पोर्टफोलियो बनते ही, वो भी अभी तक नहीं हुई है, इतने दिन हो गए हैं, तो जनता में निराशा के भाव पैदा हो रहे हैं कि कर्णपुर में जो गलती करी मंत्री बना करके वहाँ मुँह की खानी पड़ी इनको, पूरे प्रदेश के अंदर लोगों ने उसको वेलकम नहीं किया, भाई कि आप चुनाव चल रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को आप जो है शपथ दिला रहे हो, तो जनता ने करार जवाब दे दिया उसका।